अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या क्या बोल रही है आपकी अम्मी? किसी बदवा दे रही है आपकी अम्मी? अम्मी, आप और बाजी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बाजी को कायनात पे हाथ उठाने से पहले ख्याल होना चाहिए था कि वो मेरी बीवी है। सोचा था तभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। किस तरह का मर्द है तू? ये अपनी शैतान बेलगाम बीवी की नकेल क्यों कसता है हफीज? अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है और तू है कि यहाँ खड़े खड़े इसकी हिमायत कर रहा है। अम्मी, कायनात मेरी बीवी है, अगर मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बिल्कुल करो हिमायत, बहुत शौक से करो, मगर इस घर में नहीं, इस घर से बाहर जाकर करो। मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जायदाद से बेदखल करती हूं। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। बाजी, बाजी, आप हमें इस घर से कैसे निकाल सकती हैं? आपके सिवा हमारा है कौन? और तुम्हारा कोई बन भी कैसे सकता है, जब तुम्हारी खुराफाती बीवी जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है और तुम उसकी हिमायत में लगे रहते हो, तो कौन बनेगा तुम्हारा अपना? मेरे घर से निकल जाओ हफीज, होटल जाओ, गेस्ट हाउस जाओ, सराय जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, जहां रूम में जाओ, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ तुम लोग, अभी के अभी जाओ। बाजी समझने के बाद, बाजी बेशक कायनात से गलती हुई है, मगर ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोचिए, अगर हम इस घर से जाएंगे तो आप ही की बदनामी होगी। कायनात, मैं बात कर रहा हूं। बाजी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कायनात से बात करूंगा और समझाऊंगा, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। खुदा के लिए हफीज, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं, अपनी बीवी को लो और चले जाओ मेरे घर से। बाजी, आपको मेरी कसम है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं समझाऊंगा कायनात को। एक मौका बाजी, सिर्फ एक मौका, आखिरी मौका दे रही हूं हफीज, समझा लो अपनी बीवी को और तुम भी संभल जाओ। और आप न घर में कभी किसी के काम आए, न कारोबार में हाथ बटाया, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, लेकिन रोटियां ना पेड़ों पर नहीं लगती हैं। आखिरी वार्निंग दे रही हूं आपको, अपने तौर तरीके बदल दीजिए, वरना इस शहर की गलियों में भीख मांगती नजर आएंगी। खुद भी संभल जाइए और अपने लोगों को भी संभाल लीजिए। चलिए अम्मी। चलो सुभान घर चलो, या फिर तुम्हें भी पुलिस स्टेशन जाना है? चलो मेरे साथ घर, ये जहन्नुम में जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ चलो। सुभान, ये तुमने अच्छा नहीं किया इबादत, मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगी।
माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। आप ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई बात नहीं बेटी। I'm sorry. अंधी नहीं, तुम्हारी हमदर्द हूँ। What? मतलब माफ करना, मैं तुम्हें देख नहीं पाई और हम टकरा गए। पूरे वक्त में इंसान को जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। उस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो और वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत छीन कर ले जा रहे। ठीक कहा ना मैंने? वो चाहे कितनी ही चलाकियां कर ले, हार मत मानना, लड़ती रहना तब तक जब तक वो तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेक देती। मोहब्बत में वो कर जाना भी जायज है जिसकी इजाजत इंसानियत भी नहीं देती। मुझे ये सब क्यों समझा रही है? आप है कौन? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप है कौन? मैंने बताया ना, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारी तरफदार हूं। जो तुम्हारी मोहब्बत छीन कर ले जा रही है उसे रोको, जल्दी जाओ, रोको उसे। सुभान, सुभान। दोनों की परवरिश दुआ ने की, एक ही चाक पे एक ही मिट्टी से बनने वाले सुराई, मगर दोनों के किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सुभान की अम्मी, मन्नत सुभान के साथ अपने मकसद में कामयाब हो गई होगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इबादत ने उन दोनों की तन्हाई में खलल डाल दिया हो? अगर ऐसा हो गया ना तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। खैर करे, मन्नत का तो पता नहीं पर इबादत जरूर कामयाब हो गई है। कायनात, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रोहन की अम्मी, ये इबादत और सुभान एक साथ? सुभान, तुम तो मन्नत के साथ गए थे, फिर इसके साथ कैसे आ रहे हो? कहीं ये तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले आई है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।